श्री राजश्री बहन अंबाजी से शुरू हो रहा है जी सर। चलिए जय मां अंबे। जय मां अंबे सर। हाँ बताइए राजश्री बहन, क्या अनुभव है आपका? माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नमस्कार। मैं राजश्री पटेल, हेड टीचर हैरोज अनुपम प्राथमिक शाला, तहसील दाता, बनासकांठा जिले से आपके सामने उपस्थित हूँ। राजश्री बहन, ये जो नई पीढ़ी है उनके लिए तो टेक्नोलॉजी जरा सरल होती है, आप लोगों को इन चीजों में कितनी रुचि बनती है? सर मैं हमारे वहाँ की बात बताऊँ तो सर हमारे वहाँ कोरोना काल में शाला बंद थी पर शिक्षा नहीं। हमारे सभी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने ऑनलाइन क्लासें अटेंड की। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री, हमारे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वन नेशन वन प्लेटफॉर्म दीक्षा प्लेटफॉर्म से और QR कोड वाले एनर्जाइज्ड पाठ्य पुस्तकों से भी बच्चों ने पढ़ाई की। ये जितने बच्चे वहाँ बैठे हैं मैं उनको जरा पूछूं कि बताइए भाई दीक्षा पोर्टल पर कितने लोग जुड़े हुए हैं, जरा हाथ ऊपर करें। यस सर, हमारे बच्चे जरूर करेंगे। बेटा हैंड्स अप करो। हमारे स्कूल में हम जी शाला ऐप यूज करते हैं ना, दीक्षा पोर्टल यूज करते हैं। कोई बताएंगे मुझे स्टूडेंट्स में से क्या अनुभव आता है उनका, क्या तकलीफ होती है, क्या अच्छा लगता है? वरना ऐसा करते होंगे, जाते होंगे दीक्षा पोर्टल पे और फिर कहीं और चले जाते होंगे। सर हमारे दीक्षा पोर्टल का जो कंटेंट है वो उतना इंटरेस्टिंग है वीडियोस वाला कि बच्चे, हमारे अभिभावकों से हमें पता चला कि बच्चे ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हैं। बच्चों ने और एप्स या और ये जो गेम्स है वो यूज़ करना बंद कर दिया। आपको स्वयं को ये व्यवस्था के कारण बच्चों की तरफ ध्यान देने का बोझ बढ़ गया है कि भाई लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है, हर दिन रिपोर्ट जा रही है, फिर एनालिसिस हो रहा है, ये सरदर्द कहाँ से आ गया, ऐसा लगता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। नहीं, आपके टीचर के चेहरे से तो मुझे लगता है उनके चेहरे से मुझे लगता है कि ये उनके लिए मुसीबत का कारण है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमारे टीचर्स तो बहुत प्रोत्साहित हुए कि ये डिजिटलाइज्ड वर्क से हमारा मैक्सिमम टाइम बच गया, जो वर्क हम टाइम हमारा ज़्यादा स्पेंड नहीं होता नहीं था, सवाल वो तो गवर्नेंस का विषय हो गया, वो ठीक है, अच्छी बात है, आपका समय बच गया। सवाल है कि भाई बच्चों को जब पूछते हैं कि भाई गुजराती लिखने में कितने सक्षम हैं, पढ़ने में कितने सक्षम हैं, और जब उसका आप चार्ट भरते हैं तो मन में रहता तो है कि भाई सच तो बोलना ही पड़ेगा, अब हालत क्या है नीचे, तो प्रेशर तो रहता होगा। सर अभी की बात करूँ ना तो अभी हमारे पास रीड अलोंग ऐप है तो उससे बच्चे अभी गुजराती और इंग्लिश की लैंग्वेज में महारत हासिल कर रहे हैं। वो एक ऐसा ऐप है कि जिसमें बच्चे स्वयं शिक्षा लेते हैं, उसमें पॉइंट्स, उसमें गेम्स भी है, बच्चे उससे पॉइंट्स एक्वायर करते हैं, तो ये भी हमें हेल्प, सब्स्टिट्यूट हेल्प भी है हमें। कोई स्टूडेंट से बात हो सकती है? यस सर, श्योर। नमस्ते माननीय वडाप्रधान साहब श्री, मैं अशरुफा बहान यूनुस भाई खैरोज अनुपम प्राथमिक शाला में कक्षा 7 में अभ्यास करती हूँ। क्या नाम बताया? अशरुफा बहान यूनुस भाई। अच्छा, क्या आपको क्या फायदा है उससे, ये जो नई नई व्यवस्थाएं आ रही है? पहले भी लोग चिल्लाते थे कि बच्चों पर बर्डन बढ़ रहा है, अब ये मोदी जी नई नई चीजें ले आ रहे हैं तो और बर्डन बढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खेलने के लिए समय मिलता है क्या? हाँ सर। लगता तो नहीं तुम्हारे शरीर से कि तुम खेलती हो न खेलती हो न खाती हो तुम्हारा कितना नंबर आता है क्लास में? फर्स्ट।
इसलिए तुम्हें खड़ा कर दिया है? तो स्कूल में जब भी कोई काम होता होगा सब तुम्हें ही खड़ा कर देते होंगे। हाँ सर। ऐसा ही होता है ना। हाँ तो फिर पढ़ाई में कब ध्यान देती हो? पढ़ती हूँ सर। पढ़ती हो? हाँ। अच्छा कभी टीचर नहीं आए तो क्या करते हो? स्मार्ट क्लास ज्ञानकुश से हम पढ़ते हैं, टीचर नहीं आए। नहीं मान लीजिए वो टीचर नहीं आए तो उनका ये रिकॉर्ड कौन भरता है, क्या व्यवस्था करते हैं? आप स्टूडेंट को पता होता है इन्होंने आज आपके टीचर ने ये भर दिया है? नहीं सर। नहीं नहीं जब समाचार आता होगा कि घर में, जैसा मुझे अभी रिपोर्ट कर किया गया कि हम बच्चों के माता पिता को भी सूचना कर सकते हैं, तो आप अगर वीक हैं तो उन माँ बाप के पास जाता होगा तो फिर घर में कान पकड़ते होंगे, फिर आपको लगता होगा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है तो पीछे पड़ जाते हैं, चलो प्राइवेट स्कूल में चले जाएं, ऐसा तो नहीं होता है? मुझे ऐसा लगता है। कैसा लगता है बेटा? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, चलिए बैठिए। थैंक यू सर। चलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई मेरी।